नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। गोरेवाड़ा उघान, संडे को रहा फुल। गोरेवाड़ा का बाला साहिब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उघान रविवार को पर्यटकों से फुल रहा। इंडियन सफारी उद्घाटन के बाद सप्ताह भर में 1000 पर्यटकों ने सफारी का आनंद लिया है। इसके चलते गोरेवाड़ा प्रबंधन को 2.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। रविवार को सफारी के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर अनेक पर्यटकों को निराशा होकर लौटना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को उद्घाटन के बाद दूसरे दिन 259 पर्यटक इंडियन सफारी के लिए पहुंचे थे, जबकि पहले ही रविवार 624 पर्यटकों ने इंडियन सफारी का आनंद लिया। रविवार को हो संबंधित खाते में 1,88,340 रुपए जमा हो गए। रविवार को ही 527 पर्यटकों ने बुकिंग कराई थी, जबकि पर्यटकों ने ऑफलाइन टिकट लिया। इसी प्रीमियम बस की 19 और नॉन एसी बस की 6 फेरियां हुई कि वही दूसरी और ट्रेलर ने कुचला। MIDC बाईपास चौक परिसर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक की मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक मृत्यु की पहचान नहीं हुई थी। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि वही तीसरी और गैराज से खराब ऑयल के 3 ड्रम चोरी। शनिवार की मध्य रात्रि काटोल स्थित एक गैरेज के बाहर रखे खराब ऑयल से भरे 3 ड्रम की अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचवटी काटोल निवासी बंडू धनराज लेंडे का शहर में गैरेज है। उन्होंने गैरेज के बाहर वाहनों से निकला खराब ऑयल 3 ड्रमों में भरकर रखा था, जिसे अज्ञात आरोपी चुरा कर ले गए। इस ऑयल की कीमत 15,000 रुपये बताई गई है। इस मामले में लेंडे की शिकायत पर काटोल पुलिस ने बांद्री की धारा 397 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस नायक संतोष आंगले कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें। नमस्कार।